हेलो, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक सीरीज़ कर रहे हैं। हम 3 से 4 वीडियोस कर चुके हैं। जो कोई नया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है लिंक्स, वहाँ से क्लिक करके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। वहाँ से जो पुराने वीडियोस है उसको चेकआउट कीजिए, तब आपको आगे की लेक्चर्स बड़े अच्छे से समझ में आएंगे, राइट? क्योंकि बीच से कोई भी टर्म पढ़ने का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको फ़ायदा पहुंचेगा जब आप सीरीज़ बाय सीरीज़ चीज़ों को पढ़ते जाओगे, राइट? अभी हमने हाल ही 2 से 3 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं। ये शायद हमारा 4th लेक्चर है। इसके अंदर हम आज परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कहा था। इससे पहले हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी के अंदर आते हैं प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। फिर हमने देखा था कि जो कंपोनेंट्स है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस अपने हिसाब से अलग से क्लासिफाइड करके रखता है। लाइक प्राइमरी सेक्टर को उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग इस तरीके से क्लासिफाइड करा है, तो तीनों सेक्टर्स को अलग अलग सेट में उन्होंने कंपोनेंट्स में तोड़ा है, राइट? इसके बाद भी वो कहते हैं कि हमारे पास जो 5 मेजर कंपोनेंट्स है वो मेजर कंपोनेंट्स है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी कुछ टर्म्स मैंने आपको डिस्कस करे थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीएनपी क्या होता है। जहाँ पर हमारे देश का की बाउंड्री इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे देश की नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, ये नेशनैलिटी बेस्ड प्रोडक्शन को चेक करता है। जहाँ पर इंडिया के अंदर इंडिया की नेशनल कंपनीज कौन कौन सी है, उनका क्या प्रोडक्शन था, और देश विदेश के जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनका क्या प्रोडक्शन है, आपस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जीएनपी निकल के सामने आती है। अब जब जीएनपी निकल के सामने आती है तो इससे एक क्वेश्चन सामने आता है, ये जो जीएनपी है क्या हम इसमें से, ये जीएनपी जीडीपी से में से भी निकाल सकते हैं? तो आंसर था यस, जीडीपी में से निकल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? जीएनपी में से जब जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में से जब हम फॉरेन प्रोडक्शन की वैल्यू, जो इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनीज है इनकी जो प्रोडक्शन है उनको माइनस कर देंगे, है ना, और हम ऐड करेंगे ऐसे कंपनी जो फॉरेन में है, राइट, उनकी जो वैल्यूज है प्रोडक्शन की उनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा जीएनपी। अब जीएनपी अपने पास आ गया, अब जीएनपी ही वो वैल्यू है जिससे आईएमएफ चेक करके ये डिसाइड करता है कि किसी भी देश की कितनी बड़ी इकोनॉमी है या फिर उसकी इकोनॉमी को रैंक क्या करना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद ये जीडीपी होता है जिसके बेस पर किसी भी इकोनॉमी का रैंक डिसाइड किया जाता है, तो नहीं, वो जीडीपी नहीं, वो जीएनपी होता है, राइट? ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनडीपी। एनडीपी कैसे निकाला जाता है? मान लो कि जीडीपी हमने निकाल दिया है, राइट? अब जीडीपी में से जो भी डेप्रिसिएशन मशीनरी के अंदर आई होगी, बेसिकली जब भी एनडीपी निकालना हो ना, जीडीपी में से जो भी डेप्रिसिएशन करोगे वो फिक्स कैपिटल होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई लेबर है या फिर उसको कोई दिक्कत हो गई है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, वो भी डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ फिक्स कैपिटल जो होती है किसी भी कंपनी का, उसका जो फिक्स कैपिटल होता है उसका डेप्रिसिएशन करने के बाद तो हमारे पास निकलता है एनडीपी। अब ये एनडीपी इंपॉर्टेंट है बॉस, राइट? अच्छा, यहाँ पर हमने एक बात करी थी, जो जीडीपी है वो कंजम्पशन हमेशा फिक्स एसेट, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उसके ऊपर निकलती है, राइट? सो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करा था एनएनपी है। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से जब हम कॉमन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनएनपी निकल के आ जाता है, ठीक है, कॉमन। अब जो एनएनपी होता है वो एक्चुअल प्राइस होता है, जो गवर्नमेंट के हाथ में एक्चुअल हमारे प्रॉफिट का पैसा बचता है, जो इनकम का पैसा बचता है। सो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है पर कैपिटा इनकम। अब देखो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, जो हमारे देश की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू एक तरफ को रख लो, उसके नीचे हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसको रख लो, जो डिवाइड करके आएगा हर किसी के पॉकेट में कितना पैसा आएगा वो पैसा होगा पर कैपिटा इनकम। ये एक प्रकार का एवरेज जैसा है, जैसे टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, राइट? टोटल वैल्यू कितनी हुई, 1000 हुई, डिवाइडेड बाय 100 पीपल, तो सबके पॉकेट में 1000 रुपीज़ आया है,
तो ये जो 100 रुपीज़ आया है, और ये जो 100 रुपीज़ है वो है पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन पीपल, 100 इंडियन पीपल, क्योंकि हम मान के चले थे कि इंडिया के अंदर सिर्फ 100 पीपल्स ही है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। ओके, ये टर्म लिखना और ये टर्म आपने याद भी करना है, PPP shows the ratio of prices in nation currency of the same time of the same goods and services। पीपीपी हमको ये बताता है कि हमारे देश के अंदर अगर एक्स वाई जेड की कीमत 10 रुपये है, तो इसकी ही कीमत किसी और देश में कितनी होगी, राइट? वो चीज़ डिसाइड करता है, वो चीज़ हमको बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट? तो इसको किसी और तरीके से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है राम, है ना, इसकी इनकम इंडिया के अंदर 100 रुपीज, लेट्स सपोज, है ना, तो अमेरिका में अगर ये जाता है तो इसकी इनकम लेट्स सपोज है $2, है ना, इसकी इनकम कितनी है $2। सो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है, हाउ टू चेक परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब वो कैसे चेक करे, यार अमेरिका में जाके मुझे फायदा तो होगा ना, जितना मैं कमाऊंगा, कि ऐसा तो नहीं है कहीं इंडिया में जो कमा रहा हूँ उससे भी हाथ धोना पड़ जाए, वहाँ तो मेरे को लगा डॉलर में कमा रहा हूँ पर वो बेसिक सामग्री ही ना खरीद पाऊँ जो इंडिया में खरीदने के बाद भी मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स यूज करते हैं द रूल ऑफ थंब कॉन्सेप्ट, यूज इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। ओके, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है मैं अभी समझाता हूं आपको। लेट्स सपोज अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बेसिकली कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस। ठीक है, दोनों देश में क्या प्राइजेस है किसी भी प्रोडक्ट का, उसका कंपैरिजन को बोलते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ थंब, है ना। मान लो कि एक कमोडिटी है जो इंडिया में भी मिलती है और अमेरिका में भी मिलती है, लेट्स से क्या लूँ, पेप्सी। ओके, लेट्स से पेप्सी इन इंडिया इंडिया ये ऑलमोस्ट जो छोटा सा बॉटल होता है वो
मान लो कि 10 रुपये का मिलता है ना। और वैसे ही यही पेप्सी इन USA, और यही हमको वहाँ पर मिल रहा है वन वन डॉलर का, है ना। और से वैसे ही एक और कमोडिटी है, क्या लूँ यहाँ पर, चलो मैकडी, मैकडोनल्ड बर्गर, राइट। मान लो इंडिया के अंदर ये ऑलमोस्ट, मान लो 30 रुपीज़ का मिल रहा है, लेट्स सपोज 30 का तो नहीं मिलता, बट अगर 30 रुपीज़ का मिल रहा है मैकडी इन इंडिया, और मैकडी मैकडोनल्ड्स बर्गर इन USA, और USA में यही बर्गर मिल रहा है $2 का, राइट। यहाँ पर दो कमोडिटी हमने उठाए हैं, राइट। ये कमोडिटी फर्स्ट है और ये कमोडिटी सेकंड है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कि जो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट्स अकॉर्डिंग टू फूड आइटम्स क्या आ रहे भाई, जैसे यार पैड फंस रहा है बार बार, ओके एक मिनट मैं पैड का केबल निकाल के फिर लगा लेता हूँ, ओके हाँ अब चल पड़ा है, ठीक है। अच्छा ये क्या था, ओके ऊपर देखो प्रोडक्ट हमने क्या क्या लिया था, एक हमने लिया था पेप्सी और एक लिया था मैगडी, है ना, 10 और 28 से 30 रुपये। तो यहाँ पर मान लो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट क्या बन रहा है, जो यहाँ पर 30 रुपये है मैगडी का, तो 30 रुपये वाला मान लो $2 में है ना, और जो 10 रुपये वाला है वो $1 में है, राइट। और अगर हम देखें एक्सचेंज रेट जो जनरल होता है IMF द्वारा, ठीक है, जो रेगुलेट करता है इकोनॉमी को वर्ल्ड ओवर, तो अगर उसके अलावा देखा जाए तो इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है भाई, ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ फॉर $1। कुछ चीज़ अलग लग रहा है बॉस, क्या लग रहा है, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो 30 रुपये दे के तो $2 मिल जा रहे हैं, जब पेप्सी पी रहा हूँ तो 10 रुपये दे के तो $1 मिल जा रहा है, बट जब मैं पैसे का कन्वर्जन करूँ तो यहाँ पर 75 रुपीज़ क्यों देने पड़ रहे हैं मुझे, समझ में आया। ये थोड़ा डिफरेंस है जिसको हमको समझना है, राइट, इसको समझो, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है, और ये जो राम था ऊपर, एक चीज़ तो समझ गया वो, कि अगर वो इंडिया के अंदर
75,000 रुपीज भी कमाता है ना, उसकी लाइफ यहां पर बेस्ट क्वालिटी की होगी, है ना, अच्छे से वो अपनी लाइफ गुजार सकता है। अगर इसी एक्सचेंज रेट के बाद अगर वो बाहर जाए, है ना, तो सेम एक्सचेंज रेट क्या बताता है, अगर यही इनकम उसकी यूएसए के अंदर अगर वो लेट्स सपोज कमा लो, कन्वर्ट कर लो इसको, तो वो 1,000 है ना, अगर वो 1,000 डॉलर कमाता है तो वो वहाँ की बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये रिलेटिवली पुअर लाइफस्टाइल होगी। ओके, समझ आया यहाँ पर? ये तो राम को क्लियर हो गया बॉस, समझ में ऐसा क्यों हुआ, राइट? इस चीज को समझते हैं आगे। यहां तक क्लियर हो गया, राइट? तो ये यहां पर समझ में आ गया परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि आपका सामान खरीदने की क्षमता आपके देश के अंदर कितनी है। बोलने का मतलब है, जैसे यहां पर था ना, इस चीज को समझो, इंडिया के अंदर आप 75,000 कमाओ या फिर अमेरिका के अंदर 1,000 डॉलर कमाओ, राइट? दोनों की बात एक ही है ना, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ तो ये तो बात एक ही है, राइट? बट अगर इंडिया के अंदर ये 30 रुपए खर्च करता है, तो अमेरिका में जो सामान 2 डॉलर का मिलेगा ना, वो तो इंडिया में 30 ही रुपए का मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या है, वो 75,000 रुपए इंडिया के अंदर कमा के भी एक अच्छी लाइफ जी सकता है, जहां पर रिलेटिवली वो एक अच्छी लाइफ अमेरिका में नहीं जी सकता, सेम रेशियो में पैसे कमा के, राइट? इस चीज को बोलते हैं, ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं किसी भी कंट्री का परचेजिंग पावर, राइट? तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, इंडियाज परचेजिंग पावर इज ग्रेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंसर है यस। ओके, कोई भी इंडियन अगर यहां से जाता है वहां पर कमाने के लिए, उसको इस कॉन्सेप्ट से तो लड़ना पड़ता है, समझ आया? तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इंडिया की बहुत तगड़ी है बॉस, क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी खत्म करते हैं। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एज पीपीपी एंड जीडीपी एज रियल टर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एज पीपी टर्म एंड जीडीपी एज रियल टर्म, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना, ठीक है? याद है मैंने आपको ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया था, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में कुछ नहीं करते, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक बड़ा सा बास्केट लेंगे, है ना, उस बास्केट में कुछ प्रोडक्ट डाल देंगे, है ना, इस प्रोडक्ट की कीमत
लेट्स से इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट की कीमत है 1,000 रुपीज़, है ना? ओ शिट, अबे यार, ओके। और इसी बास्केट की कीमत अमेरिका में लेट्स सपोज $100, 100 डॉलर्स, ओके। सो यहां पर एक टर्म क्लियर नजर आ रही होगी अब आपको। जो एक्सचेंज रेट रेट जीडीपी एस परचेजिंग पावर पैरिटी है, वो क्या है? एक कमोडिटी का रेट उठा लो ऊपर से, वो था 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर। याद है ना पेप्सी की कीमत कितनी थी ऊपर, परचेजिंग पावर पैरिटी जब हम पीछे पड़ रहे थे, तो 10 रुपये का एक पेप्सी था और 1 डॉलर का वो पेप्सी अमेरिका में मिल रहा था, राइट? ओके। और जनरल टर्म में क्या है, जनरल एक्सचेंज रेट, जनरल एक्सचेंज रेट है 75 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर। इतना क्लियर है ना? अब यहां पर एक चीज समझो, ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से ये थोड़ी सी डिफरेंसेस नजर आती हैं, है ना? ये थोड़ी सी डिफरेंसेस परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से नजर आती है, हमको ये चीज समझ में आ गई। अब क्या, अब है यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको समझने की जरूरत है, ठीक है? अब देख लो, मान लो कि साल का एंड चल रहा है जहां पर जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ, है ना? जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ और जीडीपी का कैलकुलेशन के लिए सीएसओ के जो ऑफिशियल है वो मार्केट में उतर गए, है ना? जगह जगह में इंडस्ट्री में गए, जगह जगह में जाके देखे कि देश ने कितना प्रोडक्शन किया है ना? सो मान लो जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है बाय सीएसओ, है ना? सीएसओ जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा है बॉस, है ना? अब ये क्या करता है, अब इंडिया के अंदर जाएगा, मुझे एक बात बताओ, वो मान लो किसी मोची के पास जाता है, वो बोलता है तूने कितने जूते बनाए, वो बोलता है मैंने 1,000 जूते बनाए, तो वो डॉलर में बताएगा क्या सीएसओ वालों को? डाटा डॉलर में देगा? नहीं देगा ना। किस पे देगा वो रुपीज में डाटा देगा। जब सीएसओ वाले अपने देश का जीडीपी निकालते हैं ना, तो वो डॉलर्स में नहीं निकालते हैं, वो रुपीस में ही निकलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सारा ट्रांजेक्शन रुपीस पे ही हो रहा होता है ना? तो वो जब डाटा इकट्ठा करता है, तो वो पाता है कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी है, जीडीपी की जो वैल्यू आती है, इंडिया की जीडीपी फॉर 2022 ये कितनी आई है? ये कोई स्पेसिफिक ईयर ले रहा हूँ अपने मर्जी से, ठीक है? तो कितना ये मान रहा है, ये मान रहा है कि 1,300 बिलियन
रुपीस, कोई भी मैं ऐसा अब कोई भी नंबर ले दे रहा हूँ अपने मर्जी से, ठीक है। ये है, अब जब इसने ये सारा डाटा हमको पता है ना एनुअली ये भेजना होता है कहाँ पर, IMF में भेजना पड़ता है, या फिर कभी अगर हमको ट्रांजेक्शन करना है किसी दूसरे कंट्री के साथ तो उनको तो हमको इनके साथ या फिर IMF को भेजना हो, या फिर ट्रांजेक्शन करना हो, या फिर कंट्री टू कंट्री डील करनी हो, तो इन सभी केस में हमको लगता है किस चीज में होता है, वो होता है डॉलर में, राइट। ये सारी चीजें तो डॉलर में होती है, बट इंडिया का जो GDP यहां पर निकला है वो किस में निकला है, वो निकला है रुपीज में। अब हम इस रुपीज को कन्वर्ट करते हैं, राइट। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, अब हमारे पास कन्वर्ट करने के तो दो तरीके हैं, एक तो GDP PPP के टर्म में करेंगे क्योंकि इंडिया तो इस हिसाब से देखेगा, है ना, और एक्सचेंज रेट ऐसा चल रहा है। अगर PPP देखा रियल, अगर मार्केट में उतर के चीज़ देखो तो रियलिटी ये दिख रही है, बट जो जनरल एक्सचेंज रेट बना है उस पे रियलिटी ये दिख रही है, राइट। तो दोनों से इंडिया क्या करता है, दोनों से कैलकुलेट कर देता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या करेगा, GDP एट PPP परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या था, 1 डॉलर इज इक्वल टू कितनी रुपीस थी, 10 रुपीस, राइट। तो इस हिसाब से किया जाए तो हमारा GDP कितना निकल रहा है, हमारी GDP निकल रही है 1300 बिलियन रुपीस। अब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमने डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, 10 रुपीस में डिवाइड करेंगे तो ये रफली निकल जाएगा, 10 चला गया, 130 130 बिलियन, अब आया ये वैल्यू इन डॉलर्स, राइट। अब नेक्स्ट निकलता है GDP एट रियल टर्म। अब रियल टर्म में क्या है, GDP 1 डॉलर, एक्सचेंज रेट क्या बताता है, 1 डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीस। अब इसके इसके हिसाब से करके देखेंगे, 130 बिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय 75, रुपीस, राइट। अब इसको करके देखो, ऑलमोस्ट 12, 15, 16, 17, ऑलमोस्ट 17 के पास आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो मैं इसको मान देता हूँ कि ये 17 बिलियन डॉलर्स आ रहा है, ओके। तो ये है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी, और ये है अकॉर्डिंग टू रियल एक्सचेंज रेट। अब इंडिया की GDP इंडियाज GDP इंडिया GDP अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ओके।
अगर देखा जाए एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग, तो ये नाइन्थ या फिर एट्थ के करीब, राइट, एट्थ लार्जेस्ट है। और हमेशा याद रखना, किस कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, उसी पे ही डिसाइड किया जाता है कि वो कंट्री कितनी पावरफुल है। सो इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट, सो बहुत ही ज़्यादा है बॉस, राइट। सो इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट है, बहुत ही जल्दी इंडिया ऑलमोस्ट सरपास कर देगा सरपास कर दिया है, कुछ ही डॉलर्स का रहता है, बस ऑफिशियली सरपास कर देगा ब्रिटेन को, राइट। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बस इसके अलावा अब ये रहता है कि सेकंड पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है और फर्स्ट पे चाइना है। कुछ सालों पे आते आते इंडिया हो सकता है कि 2030, 35, 40 तक आते आते हम यूएस को भी टक्कर दे रहे होंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, राइट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपको पेपर में अगर लिखने के लिए आएगा कि आप मुझे बताओ परचेजिंग पावर पैरिटी की बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी बेनिफिट्स। देखो, सबसे पहले लो सैलरी होगी इंडिया में, है ना, तो ये जो फॉरेन कंपनी होगी ना, ये जो फॉरेन कंपनीज होंगी, ये बहुत अट्रैक्ट होगी इंडिया के मार्केट के लिए, क्योंकि इनको लेबर सस्ता मिल रहा होगा, उसके अलावा लो प्राइस में रॉ मटेरियल मिल रहा होगा, लेस इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स होंगे, राइट। सो इसी वजह से होता क्या है, देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, ओके। सो ये सारी चीज़ बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है किसी भी कंट्री में, राइट। सो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलो, यहाँ तक जितना पढ़ा है उसके नोट्स बना दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, और जो भी टर्म्स है उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। जो आज का काम है ना, उसे आज ही ख़त्म कर देना, रखना मत, राइट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।